अस्सलाम वालेकुम आज हमारा डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज रिलेटेड लास्ट टॉपिक है कैटाबॉलिज्म बाकी सारे हमने टॉपिक्स जितने भी थे हमारे कवर अप हो चुके हैं कैटाबॉलिज्म एंड हमारा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक बनता है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है आपको पता होना चाहिए मेटाबॉलिज्म हमारे जो सेल से रिलेटेड है जो हमारी सेल डिवीजन है सेल ग्रोथ का प्रोसीजर है वो क्या है वो मेटाबॉलिज्म को बोलते हैं जो हमारा पूरा ग्रोथ का प्रोसीजर है ठीक है उसमें दो टाइप्स आ जाती हैं कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म उसके हम डिफरेंसेस एंड सिमिलैरिटीज डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ आलोक

रिपेयरिंग में रिप्रोडक्शन जा आ जाता है सेल डिवीजन आ जाती है सेल ग्रोथ आ जाती है इंटेंस फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो हमारी हैं एक्सरसाइज वग़ैरह जो आ जाती है हमारी उठना लेटना बैठना चलना वॉकिंग, रनिंग सारा कुछ हमारे जो है और हमारी ब्रीथिंग डाइजेशन जो हमारी फूड की है वो सारा कुछ जो है हमारा वो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड आ जाता है जो हमारे जितने भी रिएक्शंस हैं हम अपनी बॉडी का इजी कंसीडर uh, करें तो आपके लिए इजीली होगा ये सारे हमारे अपनी बॉडी के आ जाते हैं बाकी एनिमल से रिलेटेड भी ये सारे आ जाते हैं इवन फोटोसिंथसिस वगैरह जो है प्लांट्स से रिलेटेड वो सारे भी हमारे मेटाबोलिज्म में आ, हमारे आ जाते हैं ठीक है वॉट इज दिस एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म है वो हमारे मेटाबोलिज्म के टू टाइप्स आ जाती हैं कैटाबोलिज्म जो है वो एक बड़ी सी चीज़ होती है उसको ब्रेक डाउन करना जो होता है छोटे पार्टिकल्स में ठीक है उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं इट इज़ अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल केमिकल दैट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू दी सिंपल वंस ठीक है कैटाबॉलिज्म में क्या जाता है एक बड़े सारे कंपाउंड को छोटे छोटे सब्सटेंसेस में तोड़ना वो हमारा कैटाबॉलिज्म आ जाता है फॉर एग्जाम्पल द डाइजेशन ऑफ फूड जैसे हम एक बड़ा फूड का बाइट लेते हैं उसको छोटे छोटे बाइट्स में तोड़ते हैं और स्टमक में जाता है वो और मजीद डाइजेशन होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उसे ही मजीद डायजेसन होकर इंटेस्टाइन वगैरह में जाते हैं ये सारा प्रोसीजर हमारा कैटाबॉलिज्म से रिलेटेड आता है ठीक है इसमें हमारी क्या होती है एनर्जी रिलीज़ होती है एनर्जी इसमें हमारी प्रोड्यूस हो रही है हमारी उस रिएक्शन से एनर्जी निकल रही है ठीक है और इसकी जो आ, सिंपल जो हमारे स्टेप्स और एग्जाम्पल्स आप कह लें वो आ जाती हैं हमारी टू जनरेट एनर्जी डाइजेशन ऑफ फूड ग्लाइकोलॉलिस डाइन डाइजेशन ऑफ फूड मैंने आपको बता दिया थी ठीक है ग्लाइकोलिसिस जो है वो हमारा ग्लूकोज जो होता है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स को ब्रेक डाउन करना स्मॉल पार्टिकल्स में लाइक सी सिक्स एच ट्व सिक्स को कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन एंड वाटर वगैरह में प्रोडक्शन प्रोड्यूस करना तो उसको हम ग्लाइकोलिस कहते हैं मतलब बड़ी चीज से एक छोटी चीज़ बनाना हमारी कैटाबोलिज्म में आ जाती है ये हमारी बेसिक डेफिनेशन क्या है कटाबोलिज्म इज द ब्रेक डाउन ऑफ द कम्पलेक्स वन इन टू द स्मॉलर वन ठीक है एनाबोलिज्म में हमारे पास क्या जाता है अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर कंपोनेंट्स छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ बनना वो हमारी एनाबोलिज्म आ जाती है मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलकर एक बड़ा सारा कंपाउंड बनाए छोटे मॉलिक्यूल जो हैं वो बड़े कंपाउंड बनाए तो इसको हम क्या कह देते हैं एनाबोलिज्म में इसमें हमारे पास क्या जाता है ग्लूकोज की प्रोडक्शन लाइक ग्लूकोन के जेनेसिस को हम बोलते हैं ग्लूकोज की प्रोडक्शन ठीक है एमाइनोसिट्स जो हैं वो ज्वाइंस वगैरह करती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस होती है एक बड़ा प्रोटीन बनाती है एमाइनोसड मिलाकर और जो सिंपल शुगर्स हैं वो एक कंपाउंड शुगर्स बनाती हैं सेकेराइड्स बनाती हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं बड़े बड़े डाय बोलते हैं उनको पोली सेकेराइड्स

लाइक like, एटाबोलिज्म हो रहा होता है तो उसकी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है वो एनाबोलिक रिएक्शन में यूज़ हो रही होती है जो वो प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी वो एनाबोलिक रिएक्शन में यूज़ हो रही है फर्दर ठीक है तो एट कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म जो है वो साइड बाई साइड वर्क टुगेदर कर रहे होते हैं ठीक है कैटाबोज इधर मैंने डायग्रामेटिकली भी बता दिया है कैटाबोलिज्म जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल को स्मॉल में करता है और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनाबोलिज्म में यूज़ होती है वो उसमें क्या होता है स्मॉल से हमारे पास एक लार्ज मॉलिक्यूल बन रहा है ये एक बेसिक डायग्राम है अगर आप अपने माइंड में ये डायग्राम छोटी सी बिठा लेंगे तो आप इजीली उसको डेफिनेशन भी लिख सकते हैं और उसके एग्जांपल्स भी दे सकते हैं लाइक like डाइजेशन हमारी कैटाबोलिज्म में आ जाती है और एनेबोलिज्म में हम प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं कि एमाइनो एसिड से हमारा एक बड़ा प्रोटीन जनरेशन हो रही है ठीक है आप एक सी सिम्पल से ये डायग्राम अपने माइंड में रख लें तो आप इजीली उसकी डिफ्रेंशिएशन भी लिख कर सकते हैं डेफिनेशन भी लिख सकते हैं डायग्रामेटिकली उसको शो भी कर सकते हैं इसमें दो डेफिनेशन दो तो इसमें ही डायरेक्टली बन जाते हैं कि लार्ज टू स्मॉल स्मॉल टू लार्ज एनर्जी रिलीज़ हो रही है उसमें और उसमें एनर्जी यूज़ हो रही है ठीक है डिफरेंसेस में हमारे पास बेसिक डिफरेंसेस क्या आ जाती हैं सबसे पहले आपने डेफिनेशन लिख देनी है जो हमने पहले डिस्कस कर ली है फिर देन हमारे ही हारमोन्स इन्वॉलमेंट क्या है कैटाबॉलिज्म में हारमोन इन्वॉलमेंट है एड्रेनरीन कॉडिसोल पुलकोगोन साइटोकाइंस इससे रिलेटेड जो बेसिक बेसिक ये हमारे बहुत ही बेसिक हार्मोन्स हैं जिससे रिलेटेड आपको छोटे छोटे इनके फंक्शंस भी पता होने चाहिए जो कि मैंने नीचे ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में लिख दिए हैं ठीक है एनाबॉलिक रिएक्शंस में हमारे पास क्या इन्वॉलमेंट होती है टेस्टोस्टेरोन इस इंसुलिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन ठीक है और मेटाबॉलिज्म में इसका क्या रोल है ये डिस्ट्रक्टिव फेज़ है जो हमारे ये कैटाबोलिज्म है तो हमारी डिस्ट्रक्टिव फेज है और जो हमारी एनोबोलिज्म है वो हमारी कंस्ट्रक्टिव है मतलब वो हमारे टूट रहा है कैटाबोलिज्म में हमारी चीज़ें टूट रही हैं और जो एनोबोलिज्म है उसमें हमारी चीज़ें कंस्ट्रक्ट हो रही हैं जुड़ रही हैं एक बड़ी चीज़ बन रही है एनर्जी क्या है उसमें रिलीज़ हो रही है उसमें प्रोड्यूस उसमें यूज़ हो रही है इसमें जो रिलीज़ हो रही है वो हमारी एनीबोलिश में फर्दर यूज़ हो रही है ठीक है और जो हमारी एनर्जी कन्वर्जन है वो यही दोनों में यही है कि जो कैनेटिक पोटेंशियल एनर्जी जो आपने पढ़ी हुई है आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी लेकिन आपने इधर बेसिक आपने सिर्फ एक डिफरेंस के से रिलेटेड जाना है इसमें पोटेंशियल टू कानेटिक हो रही है उसमें टू पोटेंशियल हो रही है अगर आप देखेंगे ऊपर कैनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो नीचे पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होती है ये सारी आपको फिजिक्स में पता चलेगा और यहाँ या, पे आपको इतने ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ठीक है एनर्जी कन्वर्जन बस आपने लिख देंगे कि कैटबोलिज्म है उसमें पोटेंशियल एनर्जी टू कॉनटिक एनर्जी हो रही है और एनेबोलोज्म में कानैटिक टू पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्जन हो रही है ठीक है यूज ऑफ ऑक्सीजन जो है इसमें कैटाबोलिज्म uh, में ऑक्सीजन होती है इसमें ऑक्सीडेशन होती है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होती उसमें रिडक्शन होती है तो डू नॉट यूज ऑक्सीजन ठीक है इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस में हमारे पास क्या आता है ह्यूमंस की एक्सरसाइज की एक्टिविटीज आ जाती हैं एक्सरसाइज से क्या होता है हमारे कैटाबोलिज्म में बर्निंग फैट्स और कैलोरीज बर्न होती हैं सिंपल सा एक ह्यूमन में इफ़ेक्ट है और उसमें क्या हो रहा है टिश्यूज़ में आपकी फूड वग़ैरह प्रिजर्व हो रही है आपकी मसल्स वगैरह की ग्रोथ के लिए ठीक है प्रिजर्विंग हो रही है टिश्यूज़ में और मसल uh, की ग्रोथ हो रही है और एक्टिव स्टेट में हमारे पास आ जाता है कैटाबोलिज्म में डिफरेंट एक्टिविटीज आ जाती है हमारी बॉडी में कब हो रही है हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते हुए हमारी कैटाबोलिक रिएक्शन हो रही हैं एक्सरसाइज में रनिंग में वॉकिंग में लेकिन जो एनेबोलोलिज्म है वो ऑपोजिट है वो हमारी स्लीपिंग कंडीशन में हो रही है जब हम बिल्कुल आराम से बैठे हुए हैं रेस्ट कर रहे हैं या पर स्लीपिंग पोजिशन में तब हमारे एनाबोलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं ठीक है एग्जाम्पल्स मैंने ऊपर भी दे दी हैं और आप यहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं मे भी, भी थोड़े डिफरेंट हों लेकिन आपको समझ आ ही होगी आ ही गई होगी कि कटाबोलिक क्या है और एनाबोलिक क्या है कैटाबोलिक की तरह हमने बहुत ही सिंपल सी एग्जाम्पल दे दी है कि बिल्कुल ऑपोजिट जो होता है ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा है एनर्जी रिलीज हो रही है और उधर ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है और एनर्जी यूज़ हो रही है ठीक है ये बहुत एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्ज़ाम्पलीफाई किया गया है इसको एग्ज़ाम्पल को एग्ज़ाम्पल से रिलेटेड हमारी डिफरेंस है ये भी आप मैंशन कर सकते हैं मतलब बहुत ही ईजी है एक सिंपल से एग्जाम्पल है अगर आप एग्जाम्पल्स में भी लिखना चाहें डिफ्रेंसेस में तो आप ये लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं एम्फीबॉलिक रिएक्शंस एक तो मेटाबॉलिज्म आ जाती है ना एक है एम्फीबोलिक रिएक्शंस ये भी रिएक्शंस हैं जो कि कैटाबॉलिक भी नहीं होते एनाबॉलिक भी नहीं होते इसमें दोनों की एक्टिविटीज़ होती हैं मतलब प्रोड्यूस भी हो रहा होता है और ब्रेक डाउन भी हो रहा होता है उनको हम एम्फीबोलिक रिएक्शंस बोलते हैं अ मेटोबोलिक पाथवे दै कैन बी इधर कैटाबोलिक और एनाबोलिक डिपेंडिंग ऑन इनर्जी अवेलेबिलिटी इज कॉल्ड एन एम्फीबोलिक पाथवे ठीक है देन हमारे पास ये कुछ फंक्शन हैं एडिनलिन के कोर्टिसोल के एडिनल को एबिनिफ्रीन भी कहा जाता है फाइट फ्लाइट का रिस्पॉस देता है ये कोर्टिसोल जो है वो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है हमारे एनजाइटी नर्वसनेस वगैरह के दौरान ये कोर्टिसोल प्रोड्यूस होता है ये भी एडिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है ग्लूकाकोन जो है वो प्रोड्यूस इन पेंक्रियाज है और ये क्या करता है स्टिमुलेट करता है लीवर को टू रिलीज ग्लाइकोजन ठीक है ग्लूकाकोन हमारे लीवर से लिव से रिलेटेड आ जाता है पेंक्रियाज से रिलेटेड आ जाता है तेन साइडोकाइंस जो हैं, हमारे वो प्रोड्यूस होते हैं इन ब्रोकन डाउन द बॉडी वैन एमाइनो एसिड्स आर री यूज फॉर अदर फंक्शंस ये कुछ कुछ आपके बेसिक uh, फंक्शन हैं जो कि बहुत मेजर ये हमारे हार्मोन्स हैं इनसे रोजर आपने बेसिक फंक्शन पढ़ने से ये आपको मैंने बहुत ही वन वन पॉइंट में लिख दी है कि इनका क्या रोल है ये आप नोट डाउन कर सकते हैं ये जस्ट एक ऑब्जेक्टिव वाइज मैंने आपको अपलोड कर लिया अगर आपकी इतनी इंटरेस्ट नहीं बन रहा तो आप बेशक ये ना पढ़ें ठीक है ये इतना कोई इम्पोट इम्पॉर्टेंट पॉइंट नहीं है अगर आपने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में साइंस पढ़नी है और आपको पता चलना चाहिए कि आपको पता हो कि ये छोटे छोटे वर्ड से रिलेटेड क्या मीनिंग है तो फिर आप ये पढ़ सकते हैं वो ओवरेज में प्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड इंसुलिन जो है वो पेंक्रियाज में हो रही है ग्रोथ हार्मोन जो है वो पिचे टूकलैंड प्रोड्यूस होता है ये आप छोटे छोटे सी पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हैं